हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसमें हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट, मींस बैकेलाइट को हम किन किन चीजों से मिला करके जो है वो बना सकते हैं। सो यहाँ पे आप लोगों को जो भी रिएक्शन शो हो रहा है केवल उतना ही आप लोगों को समझना है और बहुत ही ईजी है। एग्जाम में काफी टाइम्स बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी टाइम्स ये जो क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। और ये जो आप लोगों का बैकेलाइट क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा है, उसे आप लोगों को एग्जाम में बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिंथेटिक पॉलीमर है वो वाला सारे नोट्स आप लोगों को बीएससी थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में जो है वो मिल जाएंगे, तो चैनल में जाके चेक जरूर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वेरी इजी टॉपिक, जिसका नाम है बैकेलाइट। तो बैकेलाइट बनाने के लिए जिन दो चीजों की आज हमें आवश्यकता पड़ने वाली है वो है फिनॉल और दूसरा जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड। जब हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को आपस में मिलाते हैं तो हमें बैकेलाइट जो है वो प्राप्त हो जाता है। नाम से ही स्पष्ट है, यहाँ पे हम वही पढ़ रहे हैं फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, जिसमें हम बैकेलाइट जो है वो पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है गाइस, फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड को जब आप आपस में ऐड करते हैं तो हमें बैकेलाइट जो है वो प्राप्त होता है। तो चलिए हम डिटेल में इसका जो है वो रिएक्शन देख लेते हैं कि किस प्रकार से जब हम फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या यहाँ पे आपका मैकेनिज्म होगा, वो भी आज हम इस वीडियो में जो है वो समझेंगे। चलिए हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। सो इस रिएक्शन को आप ध्यान से समझिएगा। हम लोगों ने यहाँ पे एन यूनिट का जो है वो फिनॉल लिया हुआ है। इसका रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है HSC डबल बॉन्ड O। जब फिनॉल का रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो हमें दो प्रकार के जो है वो कंपाउंड प्राप्त होते हैं, या आप कहो कि हमें दो प्रकार के यूनिट जो है वो प्राप्त होते हैं। पहला यूनिट जो होता है वो ऑर्थो पोजिशन वाले होते हैं और दूसरा यूनिट जो होता है वो पैरा पोजिशन वाले होते हैं। क्योंकि ये जो फिनॉल है जिसमें OH ग्रुप लगा हुआ है, इसका रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं तो इसके कुछ हमें डेरिवेटिव्स जो है वो प्राप्त होते हैं, ये वही है ऑर्थो और पैरा पोजिशन वाले। तो चलिए हम फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराते हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो आपस में बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़े हुए हैं, और हमें ये भी पता है कि जो ऑक्सीजन होते हैं वो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण ये कार्बन से कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है वो खींच लेते हैं, जिसके कारण इस कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी हो जाता है। और यहाँ पे जो आपका फिनॉल है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन को जो है वो दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनर आप जिसे कह सकते हो, ये जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को जो है वो दे सकते हैं और इस कार्बन को जो है वो इलेक्ट्रॉनों की जो है वो कमी होती है। तो ये जो कार्बन है इससे इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे बॉन्ड बना करके जो है वो फिनॉल के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो फिनॉल OH जिस ग्रुप में जो है वो लगा हुआ है, तो ये जो आपका CH2 है वो इस फिनॉल के साथ आकर के एक बॉन्ड बना करके जो है वो CH2 के रूप में जो है वो यहाँ पे जुड़ जाते हैं। जब कार्बन यहाँ पे जो है वो फिनॉल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो ये जो आपका सी डबल बॉन्ड ओ जो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ से ये जो डबल बॉन्ड है वो ऑक्सीजन की तरफ जाकर के यहाँ पे ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। क्योंकि कार्बन का अगर ये जो डबल बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा तो कार्बन के जो है वो पांच बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। कार्बन के केवल यहाँ पे चार बॉन्ड जो है वो हो सकते हैं, तो इस कारण यहाँ पे ऑक्सीजन में जो है वो निगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो ऑक्सीजन जिसमें ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की काफी मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, वो ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ के H के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और यहाँ पे आपका बना लेते हैं CH2OH। सो गाइस, ये जो H है वो पांचों तरफ यहाँ पे H है, यहाँ पे भी H है, इधर भी H है, यहाँ पे भी H है, HH। तो ये वाला जो H है उसके साथ ये ऑक्सीजन जो है वो आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं और यहाँ पे आपका बन जाता है CH2OH। इतना आप लोगों को समझ आ गया, बहुत ही सिंपल है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और फिनॉल ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन जो है वो दे सकते हैं, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे करके कार्बन के साथ यहाँ पे जो है वो बॉन्ड बन जाते हैं। तो ये जो कार्बन है मतलब CH2 है वो यहाँ पे आकर के देखिए, यहाँ पे आकर के CH2 जो है वो बॉन्ड बना लेते हैं और ये जो O है वो H के साथ बॉन्ड बना करके ये यहाँ पे देख रहे हो CH2OH फिनॉल के साथ आकर के जो है वो जुड़ जाते हैं। N यूनिट फिनॉल के साथ आकर के CH2OH जो है वो जुड़ जाते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। तो ये जो हमारा पहला कंपाउंड हमें प्राप्त हो है वो ऑर्थो पोजीशन वाला है, जो जिसे हम कहते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल। दूसरा कंपाउंड हमें पैरा पोजीशन में जो है वो प्राप्त होगा। पैरा पोजीशन में कहने का मतलब जैसे कि CH2 यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे लगा है, तो यहाँ पे जो CH2 है वो नीचे है, मतलब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल हमें जो है वो प्राप्त हो गया।
तो बहुत ही सिंपल है। जब हम लोगों ने एन यूनिट फिनॉल का रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराया तो हमें दो प्रकार के कंपाउंड या दो प्रकार के यूनिट हमें जो है वो प्राप्त हो गए, ऑर्थो पोजीशन में और पैरा पोजीशन में। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ गाइस। उसके बाद हम कराएंगे इन दोनों का फिर से रिएक्शन, जब हम इन दोनों के बीच जो है वो पॉलीमराइजेशन का यहाँ पे जब प्रोसेस होगा जिसे हम कहते हैं बहुलीकरण, मतलब जब इन दोनों यूनिट को हम आपस में मिलाएंगे, केवल ये एक एक यूनिट नहीं है, तो जब हम इन दोनों यूनिट को आपस में मिलाते हैं तो हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो प्राप्त होता है जिसे क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट पॉलीमर जो है वो कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर को आपस में मिलाते हैं तो इस प्रकार की संरचना जो है वो हमें प्राप्त होती है। यही चीज आज हमें समझना है गाइस कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो है वो हमें कैसे प्राप्त होगा जब हम ऑर्थो और पैरा पोजिशन वाले जो फिनॉल हमारे पास है, हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल, जब हम उसे मिलाते हैं आपस में तो इस प्रकार का क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को इस यूनिट को जब आपस में ऐड करोगे तो यहाँ से जो है वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा, मतलब यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होगा या जिसे हम कहते हैं संघनन बहुलीकरण। और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब संघनन बहुलीकरण की जो क्रिया होती है उसमें कुछ मॉलिक्यूल हमारे यहाँ पे जो है वो निकलते हैं, तो यहाँ पे हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलेगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसे हमें कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आप OH ग्रुप वाला तीन आप लोगों को फिनॉल यहाँ पे जो है वो बना लेना है। ऑर्थो पोजीशन में हम देखते हैं CH2OH यहाँ पे जो है वो लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो CH2OH। सबसे पहले हम इस यूनिट की बात कर रहे हैं, ये जो है इस प्रकार का तीन यूनिट जो है वो यहाँ पे हमें लेना है। समझने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे तीन यूनिट जो है वो लिया हुआ है, वैसे तो अनलिमिटेड हो सकते हैं बट यहाँ पे हम तीन यूनिट यहाँ पे हम जो है वो CH2OH ऑर्थो पोजीशन वाले फिनॉल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिया हुआ है। अब जब हम इसे आपस में ऐड करते हैं तो क्या होगा, जब हम इसे आपस में तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से हमारा वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलेगा। तो चलिए देखते हैं, ये देख रहे हो आप OH जहाँ जो कि इसके साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे हमारा है CH2OH, यहाँ पे आप देख रहे हो CH2OH, सेम इसी चीजों को हमने यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है। तो CH2OH को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं बॉन्ड बना करके, और यहाँ का H मतलब जो दूसरा यूनिट है वहां का H, मैंने आप लोगों को बताया था कि H जो है वो ये पांचों तरफ जो है वो H जो है वो आपके हो सकते हैं। तो CH2 का ये जो OH है और इसका जो H है वो आपस में जो है वो जुड़ करके H2O के रूप में, मॉलिक्यूल के रूप में ये जो OH और H है वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब पानी के रूप में। जैसे जैसे हम ये फिनॉल के जो डेरिवेटिव है उसे मिलाते जाएंगे यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो निकलते जाएगा, और जब ये OH और H जो है वो वाटर के रूप में जो है यहां से बाहर निकल जाते हैं तो ये जो CH2 है वो इसके साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़ जाते हैं, जैसे कि क्रॉस लिंक टाइप से आपका स्ट्रक्चर बन रहा है उस प्रकार से CH2 जो है वो इधर भी जो है वो बॉन्ड बना करके जो है वो जुड़ जाते हैं। और जो CH2 का जो OH था वो वाटर मॉलिक्यूल के रूप में जो है वो बाहर निकल जाता है। सेम यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी आपका CH2OH था, OH और H जुड़ के पानी के रूप में बाहर निकल गया। तो मैंने बार बार यहाँ पे नहीं बताया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि जब इस प्रकार के जब ऑर्थ्रो हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल आपस में जब जुड़ेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से जो है वो बाहर निकलेगा और CH2 करके इस प्रकार से जो है वो आपस में जो है वो जुड़ जाएंगे। तो गाइज ये तो हुआ आपके ऑर्थ्रो पोजिशन वाले डेरिवेटिव। अगर हम दूसरा बात करें पैरा पोजीशन वाले की, अगर हम पैरा पोजीशन को यहाँ पे ऐड करें तो क्या होगा, अब देखिए पैरा पोजीशन में मतलब क्या होगा, CH2 आपका ऊपर नीचे यहाँ पे प्रेजेंट है। तो जब हम इस प्रकार के तीन यूनिट लेते हैं, पी हाइड्रोक्सी बेंजिल एल्कोहल जब हम लेते हैं तो यहाँ पे देख रहे हो CH2OH है और यहाँ का H, मतलब H और OH आपस में जो है वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे वाटर मॉलिक्यूल के रूप में, यहाँ से आपका H2O जो है वो निकल जाएगा और जो CH2 है वो इसके साथ आकर के जो है वो बॉन्ड बना लेगा, मतलब इस प्रकार CH2 बॉन्ड बना करके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। सेम जो ऊपर में प्रोसेस हुआ है सेम यहाँ पे भी आपका CH2 होगा। कहने का मतलब है जब ऑर्थो और पैरा पोजिशन वाले जब हम यूनिट को इस तरीके से मिलाते हैं तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलते जाता है और इस प्रकार से क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर हमारा जो है वो रेडी होते जाता है। तो हम लोग ब्रैकेट में लिखे हैं एन, क्योंकि हम लोगों ने एन यूनिट का जो हम लोगों ने मोनोमर लिया हुआ था वो एन यूनिट का था, तो हमारे पास जो पॉलीमर है वो पॉलीमर भी हमें जो है वो एन यूनिट का जो है वो प्राप्त होगा। तो गाइस ये आपका बन जाता है क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट पॉलीमर। सो ये जो आपका डायग्राम है, आई नो आप लोगों को थोड़ा सा रफली लग रहा होगा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर डायग्राम बना करके जो है वो बताती हूँ, जो कि आप लोगों को एग्जाम में लिखना है वो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए उस टाइप से जो है वो लिखा हुआ था। तो अगर आप क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट का स्ट्रक्चर इस प्रकार से जो है वो आप बना सकते हो, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, CH2 को आपस में जो है वो
जोड़ते जाना है और क्यों जुड़ता है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। हमारा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल जो CH2OH है वो OH जो है वो H के साथ जुड़ करके वाटर मॉलिक्यूल के रूप में जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाते हैं और ये जो CH2 है वो आपस में इस प्रकार से जुड़ते जाते हैं और फिर ये आपस में जुड़ते ही जाते हैं। केवल इतना ही नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं। तो ये आपका कहलाता है क्रॉस लिंक्ड बैकेलाइट स्ट्रक्चर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखते हैं इसका यूजेस, क्या यूजेस हैं आखिर इस बैकेलाइट का। तो सबसे पहला यूज है ग्लू के रूप में, मतलब जो लकड़ी जोड़ने वाला जो गोंद होता है उसे बनाने के लिए हम बैकेलाइट का जो है वो यूज करते हैं। दूसरा है वॉर्निश बनाने के लिए। तीसरा है कंगा फाउंटेन पेन बनाने के लिए। लैमिनेटेड टेबल टॉप भी हम बैकेलाइट से जो है वो बना सकते हैं और कुछ कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स भी हम बैकेलाइट से जो है वो बना सकते हैं। तो ये है गाइस आप लोगों का बैकेलाइट का स्ट्रक्चर। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इन सारे रिएक्शन का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में काफी टाइम्स बैकेलाइट जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।